कर्नाटक की दो वरिष्ठ महिला अधिकारियों की लड़ाई सोशल मीडिया से अब कोर्ट तक पहुंच चुकी है। आईएएस रोहिणी सिंधूरी ने आईपीएस डी रूपा मोदगिल को 1 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है, साथ ही प्रतिष्ठा और मानसिक पीड़ा के नुकसान के एवज में बिना शर्त लिखित माफी मांगने की मांग की है। आईपीएस डी रूपा ने आईएएस सिंधूरी के खिलाफ 19 आरोप लगाए थे। साथ ही डी रूपा ने सिंधूरी पर साथ ही आईएएस अधिकारियों के साथ फोटो शेयर करने का भी आरोप लगाया था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 21 फरवरी को जारी नोटिस में रोहिणी सिंधूरी ने कहा है कि डी रूपा की तरफ से लगाए गए आरोप झूठे हैं। उन्होंने ऐसा अपराध किया है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत आता है। आईएएस रोहिणी की ओर से जारी नोटिस में आईपीएस रूपा को कथित तौर पर मान हानिकारक टिप्पणी करने के लिए माफी मांगने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में ये भी कहा गया है कि माफीनामे को आईपीएस अधिकारी के फेसबुक पेज पर पोस्ट किया जाना चाहिए और साथ ही मीडिया के साथ साझा किया जाना चाहिए। नोटिस के अनुसार उन्हें रोहिणी के बारे में की गई फेसबुक पोस्ट भी डिलीट कर देनी चाहिए। रोहिणी की ओर से नोटिस में कहा गया है कि रूपा की टिप्पणियों से सिंधूरी और उनके परिवार के सभी सदस्यों को मानसिक पीड़ा पहुंची है। मूल रूप से आंध्र प्रदेश की रहने वाली रोहिणी सिंधूरी कर्नाटक कैडर 2009 बैच की आईएएस अफसर है। हाल ही में ट्रांसफर होने से पहले वह हिंदू धार्मिक संस्थानों और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के कमिश्नर के तौर पर काम कर रही थी। वहीं आईपीएस डी रूपा कर्नाटक हस्तशिल्प विकास निगम में एमडी के रूप में काम कर रही थी। उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया है।